News 18, India. आया, एक मिनट रुको जी। हाँ हाँ जी, आपकी बहुत बड़ी। और आप नहीं है क्या? बिल्कुल है। हाँ तो बस, आप कहाँ से हैं? मैं मेरठ से। मेरठ से पास में? हाँ। तो क्या चल रहा है आंदोलन का वहाँ पे? आंदोलन वहाँ कुछ नहीं है, किसान अपने खेत में काम कर रहा है। अरे आप क्या जाने किसान के बारे में? मैं भी किसान का लड़का हूँ, मैं भी खेती करता हूँ। मैंने भी जो है ना आलू और गेहूँ, आलू लगा रखे, गेहूँ बो रखे हैं, जो नौकरी भी करते हैं। और एक बहन ने भी अन्ना के बारे में बात की थी, अन्ना के आंदोलन का जो प्रोजेक्ट मिला था वो तो इनके साथ है। अन्ना क्या जरूरत है इनको, वो तो इनके साथ है। अच्छा मैं आया, मैं कुछ बोले? अच्छा ठीक है, तुम ना बोलो जी। हाँ जी जनाब अली, मैं आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। मैं अपनी दो बात बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल बोलिए, स्वागत है आपका। मेरी बहन ने और एक भाई ने बोला तो बेरोजगारी है नहीं क्षेत्र। हाँ बोले, कहा बेरोजगारी नहीं है, काम करना चाहेंगे उनके लिए बेरोजगारी नहीं है, काम करने के लिए ढूंढना पड़ेगा काम जी। मगर केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रही है। हाँ, मैं उसको फ्री की रेवड़ी नहीं मानता, क्योंकि उनको जो मिलना चाहिए गरीबों का उनका हक मिल रहा है। हाँ जी ठीक है, मगर मैं किसी डिबेट में हेल्थ और शिक्षा पे कभी बहस करते हुए नहीं देखता किसी भी बीजेपी प्रवक्ता को जी। क्या शिक्षा और हेल्थ कोई मुद्दा ही नहीं है देश का? बिल्कुल है, सबसे बड़ा मुद्दा है भैया, सबसे बड़ा मुद्दा है। शिक्षा मिलेगी हाँ। तो लोग पढ़ लिख के अपने आप ही कर लेंगे ना, उनको हाँ। गेहूं की जरूरत नहीं है, 5 किलो गेहूं जो सरकार दे रही है वो चाहिए ही नहीं उनको। आप नौकरी दे दीजिए, शिक्षा दे दीजिए, ठीक है ना। हमें प्राइवेट हॉस्पिटल चाहिए ही नहीं, हमारे स्कूल, हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको अच्छा बना दीजिए। आपकी सरकार दो क्षेत्र में है, पंजाब में और दिल्ली में, दोनों के स्कूल और हॉस्पिटल के दिखा दें। बीजेपी की जहां सरकार है वहां के हॉस्पिटल और स्कूल इसी के आपके चैनल पे दिखा दें कि हमारे स्कूल ऐसे हैं गवर्नमेंट के, और दिल्ली सरकार के और पंजाब के देख लें जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात। भैया क्या नाम? मेरा नाम राकेश लोहिया। राकेश लोहिया जी का जी, बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल भैया, मैं देखो की रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं, वो हमारे टैक्स का पैसा हमें ही दे रहे हैं, हक का पैसा दे रहे हैं। भैया भैया आप केजरीवाल जी के फैन हैं ये मैं बहुत पहले समझ गया था, मैं जानता था। जान देखो चुपचाप चुपचाप खड़ा, और ये कोई बात नहीं हुई कि तुम, अगर वो केजरीवाल जी के हैं और तुम मोदी जी के हो तो जवाब देना, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं जी। बताइए बाबू जी कहाँ से? अरे डरने की जरूरत नहीं भाई, आप तो ऐसे ही बोलते रहते हैं जी। ना 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 जी, दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं सब, क्या काम करते हैं साहब? मैं पहले ड्राइवरी करता था, अभी पीछे होटल खोला मैंने, रेडी टाइप का, रेडी टाइप का। हाँ तो वो भी जो है मेरा छीन लिया एक नेता ने, नेता ने छीन लिया। अच्छा मैं बात करता हूँ, दो साल से बिल्कुल हाँ। अब घर मकान भी बेच दिया मैंने तो। अरे तो कहाँ जाए, यात्रा भी निकलेंगे क्या? नहीं हाँ। और वो क्या करेंगे काम? वो कल रेडी लगाने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं रेडी बात करता हूँ जी। भैया ईडी की दारू और ईडी का जवाब आज तक नहीं मिला है, और फ्री की दारू खूब बढ़ गई है। केजरीवाल आएंगे नहीं आएंगे लेकिन जवाब तो देना चाहिए गवर्नमेंट, इसमें पब्लिक भी उनको पहचानती है। जवाब कब देंगे, कैसे देंगे? कम से कम बार सामान आ चुका है। हाँ कोर्ट के थ्रू ही दे दे। शर्मिष्ठा जी, सब बात कर रहे हैं कि 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज, ये हाँ। 5 किलो अनाज है क्या? ये फ्री की रेवड़ी नहीं है? जो एमएसपी पे जो सरकार खरीदती है वो राशन उसका क्या करेगी सरकार? सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है इस देश में, तो वो अगर जनता में बांटा जा रहा है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। दूसरी बात, सभी लोग जो किसानों की बात, देखो 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 मेरी बात सुनो। लोहिया साहब, लोहिया साहब सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहा था, जो अन्न व्यापार, जो अन्न जो था वो जो खराब हो रहा था, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी थी कि क्यों नहीं बांट दिया जाता? तो सुन लेगा, सुनो सुनो आपकी बात सुनो। हाँ जी हाँ। और जो आज किसानों की बात कर रहे हैं, मैं ये बात कहना चाहती हूँ पूरे विपक्ष से कि देश का जो 65% जो जनता है वो खेती किसानी से जुड़ी हुई है, उनके लिए सच में सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। लेकिन जो ये मौके पे चौका मारने वाली बात है आज जो हो रही है, विपक्ष कम से कम ये ना करे, किसी भी तरह की अराजकता को कम से कम वो समर्थन ना करे। किसानों के लिए बहुत काम करने की जरूरत है। पंजाब में खास तौर पर वहाँ डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, 77% जो वहाँ का जो जमीन है वो वहाँ का वाटर लेवल सेफ जोन के नीचे जा चुका है। बिल्कुल ये बात पंजाब में भी है और ये बात हरियाणा में भी लागू होती है जी। देखिए 5 किलो अनाज जो ये बांटने की बात कर रहे हैं वो किसान ही उगाता है, मोदी जी को शायद समझ नहीं आ रही है, इसलिए आज उन्हीं के देश के किसान उनसे खुश नहीं है। और दूसरी बात ये कह रही है कि विपक्ष, कैसे कह दिया आपने, किसान किसान खुश कैसे हैं आप बताइए? हाँ। किसान किस तरीके से बॉर्डर पे आना चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं, और वादा खिलाफी किसने की? वादा खिलाफी तो देश के प्रधानमंत्री ने की, टीवी स्क्रीन पर आकर किसने माफी मांगी थी, किसने कहा था कि तपस्या में कोई कमी रह गई, आज कैसे भूल गए? तभी हम कह रहे हैं अगर वो नैतिक व्यक्ति है, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी पर हम सवाल उठाएंगे, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। अगर वो आज किसानों के साथ धोखा देश के प्रधानमंत्री ने किया, 5 किलो राशन कैसे बांटेंगे आप, ये सवाल पूछते हैं आज जी। बताइए
देखिए प्रतीक जी, मैं तो इस किसान आंदोलन पे ये कहना चाहती हूँ कि किसान आंदोलन से ज्यादा ये एंटी इंडिया आंदोलन बनता जा रहा है, सिख आंदोलन के रूप में ये जो भारत विरोधी ताकतें, क्यों मैं एक्चुअली बात कर रही हूँ, आप बताइए कि किसान आंदोलन के नाम पर क्या क्या चीजें नहीं हुई, विदेश में जो भारत विरोधी ताकतें उनको साथ में लेकर भारत में जो अराजकता फैलवाने की कोशिश विपक्ष ने की, वो विपक्ष जिसके पास जनता से लेकर कोई भी मुद्दा नहीं है, इनको समझ में नहीं आता है, कितनी यात्राएं कर ले इनको समझ में नहीं आ रहा कि भारत की जनता को चाहिए क्या। मैं मेरी भी टिप्पणी होनी चाहिए इस पर, बिल्कुल होनी चाहिए मेरी भी, एक छोटी सी टिप्पणी मेरी भी यह है कि बहुत संवेदनशीलता के साथ किसानों के साथ बातचीत की जानी चाहिए और उनके मुद्दे सुने जाने चाहिए और बहुत तत्कालिक तौर से कोई ना कोई राहत या कोई ना कोई पैकेज दिया जाना चाहिए और बहुत किसानों को साहत बिल्कुल बिल्कुल संवेदना के साथ, बिल्कुल बिल्कुल संवेदना के साथ बातचीत। एक डेढ़ वर्ष से चुपचाप बैठे थे, जहां चुनाव आ गया वो उतर आए, कहते हैं हमारा मुद्दा चुनावी नहीं है। मैं में जब मालूम है वो किसान जो हमारे गांव में है, जो मेरे गांव का किसान है, वो मुझे मालूम है वो कैसा किसान है। मुझे ये भी मालूम है कि पंजाब का जो किसान है वो कैसा किसान है। मुझे ये भी मालूम है कि वो किसान कहां बैठा हुआ है, ये भी मुझे मालूम है। इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में जो अर्थव्यवस्था में जो कंट्रीब्यूट करते हैं उनके लिए बड़ी संवेदना के साथ बातचीत सरकार को करनी चाहिए। जी जी हाँ जी बोलिए। एक अभी मेरी बहन कह रही थी किसानों के बारे में, 70 वर्षों में कितनी घंटे लाइट आती थी, ये सब किसान के बच्चे खड़े हुए हैं, बता दें 70 वर्ष में कितनी लाइट आती थी और कितने पोल थे, कितने ट्रांसफार्मर थे, और जब ट्रांसफार्मर खत्म होता था तो 10 दिन में आता था। आज किसान के हाथ 70 वर्ष में वो कर दी, आज 12 घंटे लाइट आती है और ट्रांसफार्मर 1 घंटे में। देखिए मैं एक बात आपसे कहता हूँ, आपने दिया तो कोई एहसान नहीं किया, वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे। विरोधी है ये, किसान विरोधी है ये, मुसलमान विरोधी है। जब बात ना मिले तो कह दो सीधे सीधे मुसलमान। नहीं नहीं ये बात अच्छी नहीं लगी हमें, देखिए आपकी ये तथ्य है, कांग्रेस मुसलमान विरोधी है। एक मुसलमान महिला 1985 में सुप्रीम कोर्ट गई थी चंद रुपए का गुजारा भत्ता करने के लिए, तत्कालीन सरकार ने उस वृद्ध महिला के फैसले का विरोध किया था सिर्फ चंद मुसलमानों के प्रेशर में आके। क्या कहेंगे आप मुसलमान विरोधी नहीं? मैं एक बात, मुसलमानों की स्थिति क्या बनाए, अमर दादी बनाकर बच्चों से, मासूम बच्चों से दरी बुलवाने का काम, उनको शिक्षा देने के बजाय उनको अपने पीछे खड़ा करके वोट बैंक बनाने वाली कांग्रेस आज मुसलमान हितैषी बनती है। अमर दादी कितनी बढ़िया बहस चल रही थी, कितनी अच्छी बहस चल रही थी, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहते। देखो गुप्ता जी, मैं बिल्कुल ध्यान रखता हूँ, मैं बिल्कुल ध्यान, मुसलमानों की जो स्थिति है जिस पार्टी ने बनाई उसके लिए हम सवाल ना करें, हम इस देश की तुम भी वही हो, उसी लाइन में हो। रेहड़ी पटरी लगाने पर मजबूर कर दिया, पेंशन लगाने मजबूर कर दिया कांग्रेस ने, आज मोदी जी कम से योजना देते रहे, हमारा साथ दे रहे, और हमारे कंधे बांध रखा हुआ है। इनके हिसाब से तो सूर्य उदय ही 2014 के बाद हुआ है, इससे पहले तो ये सारे लोग जो है मैं कहती हूँ पत्ते पहन के घूमते थे। आज तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने मजेदार बात करी, बोले 2014 के बाद ही सूर्योदय हुआ, उससे पहले तो पत्ते लगा के घूमते थे हम सारे लोग। देखिए आंखें भी खोलनी पड़ती है उजाने के लिए, सूर्य के सिर्फ उजालने निकलने से उजाला नहीं होता, आंखें भी खोलनी पड़ती है। आंख खोल के भारत ने देखा और दुनिया को, दुनिया आज भारत को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। आज भारत का सूर्योदय हुआ है, और दूसरी बात राहुल गांधी की यात्रा पर कह रहे थे, आज 15 फरवरी है प्रतीक जी, दुनिया में जितने कवि हुए, चाहे कबीर हुए, तुलसी हुए, रसखान हुए, रहीम हुए, विलियम वॉर्ड्सवर्थ हुए, जॉन किट्स हुए, सबने कहा कि प्रेम एक अमूर्त भावना है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दही ले जाए। लेकिन एक ऐसे भी बाबा हुए जो यात्रा कर करके दुकान दे रहे लगाए, जो प्रेम की दुकान भी लगा रहे और बेच भी रहे, ऐसा जो देश को बेचे, समाज को बेचे, सबको बेचे। राहुल गांधी कल भी प्रासंगिक थे और आज भी प्रासंगिक है, उन्होंने नोटबंदी को लेकर पहले कहा, उन्होंने कोविड को कहा, उन्होंने लॉकडाउन को कहा, जीएसटी को लेकर लगातार कहाँ चले गए? अरे यहाँ जो खड़े थे कहाँ गए? क्या नाम है? आदित्य नाम है मेरा। तो चमको अभी रुको, राहुल गांधी जी ने तो ये भी कहा कि लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खत्म हो गया, विदेश में 2 यात्रा हुई, एक मोदी जी ने कल कहा कि चंद्रमा का चंद्रयान किसने पहुंचाया, भारत ने कहा कि आदित्य अलवर किसने सफल किया भारत ने, एक तब कहते संविधान कहाँ खत्म हो गया भारत में, राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र कहाँ खत्म हो गया भारत में, और मोदी जी कहते हैं मंगल ग्रह पे कौन पहुंचा भारत। ये सोच है आप भारत का
कीर्तिमान बनाना चाहते हैं जी 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 आम आदमी पार्टी। सर मैं ये बोल रहा हूँ ये डिबेट है ना गलत दिशा पर जा रही है। हाँ बिल्कुल सही कर लो तुम। आप हिंदू मुसलमान की बात चल रही है, काम की बात ही नहीं कर रहे।